आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और ये रहा हम लोग का छोटा सा जो है मार्केट वार्केट लगता है, छोटा सा टाउन, छोटा टाउन। और डेकोरेशन अभी भी करके रखा है, दीपावली का 2-3 दिन हो गया उसके बाद। और ये दोनों साइड में, इस साइड में क्वार्टर है एक साइड में, और दूसरा साइड में यूनिट है, जो उसमें भी बहुत अच्छे तरह से डेकोरेशन किया है, बट इतना अच्छा लाइट नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए, पार्किंग लॉट में अच्छे तरीके से लोगों ने गाड़ी पार्क करके रखा है, अपना साइकिल कार जो भी है। मैंने भी अपना स्कूटी को इस साइड में पार्किंग कर दिया है। अभी चलते हैं हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। मैं तो कुछ लेने के लिए आई नहीं हूँ, बेसिकली मैं इसे घूमने आई हूँ, क्योंकि रात के टाइम में भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूमना, मतलब कैंटोनमेंट के अंदर घूमने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा लाइटिंग रहता है। और देखिए वो घास सब भी कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। और बगल में रहा कैंटीन, तो मैं तो आज कार्ड लाई नहीं हूँ, तो आज मैं नहीं जाऊँगी। और ये रहा कितना सुंदर दिख रहा है। और उसी के साथ है ये रहा उपहार, इसको नॉन सेजी भी बोलते हैं। इसमें से पैसा का ज़रूरत है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं पैसा होने से। साथ में ATM है, और बाकी जितना भी ग्रोसरी स्टॉल है जो भी है, सब कुछ यहाँ पे है अवेलेबल। नॉर्मल लाइफ में जितना भी चीज़ का ज़रूरत होता है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पे आप आने से जंक फूड हो गया, मोमो चाउमीन रेस्टोरेंट है, ढाबा है, सब कुछ है। मतलब आप शाम को भी आ सकते हैं पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए, इसे घूमने के लिए बैठ के। और ये हो गया इसका पीछे वाला साइड, जहाँ पे चिकन मटन ग्रीन सब्जी, और उसके बाद साइकिल, उसके बाद आपका ट्रांक व्रांक सब कुछ इसमें खरीद सकते हैं आप लोग। और ये रहा आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बैक साइड का एरिया, जहाँ पे आपका फौजी लोग ही यहाँ पे स्टॉल खोल के रखा है, सब्जी का, ग्रोसरी का, पिज़्ज़ा मिलेगा, मिठाई, फिर पानी पूरी, जूसेस, बगल में सिनेमा हॉल भी है। और यहाँ पे सब्जी वब्जी का थोड़ा रेट कम है। और ये रही मेरी दोस्त, क्योंकि अकेले आने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अपना दोस्त को साथ में ले कर आई थी, सोचा कि थोड़ा घूम लूँ। दीपावली में तो बाहर नहीं निकल पाई, तो इसीलिए दीपावली के बाद ही थोड़ा घूम लिया। और मैंने सोचा कि मैं अभी जाऊंगी नॉन सेजी, जो कि उपहार है, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उधर अंदर वीडियो शूट करने नहीं भी मिल सकता है। तो मैं पहले परमिशन ले लेती हूँ, और उन्होंने बोला कि मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, तो इसी वजह से मैं भी आप लोगों को दिखा पा रही हूँ कि अंदर देखिए कितना प्यारा प्यारा कलेक्शन है, कितना अच्छा अच्छा सामान यहाँ पे है, जो कि घर पे सजाने के लिए, होम डेकोर के लिए बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा है ये सब। यहाँ पे आपको बर्तन भी मिल जाएगा, टिफ़िन से लेकर सब कुछ मिलता है, और छोटा छोटा सामान जो है वो बहुत प्यारा प्यारा है, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। और मुझे, मैं मोस्टली यहाँ से सामान खरीद के लेके जाती हूँ घर पे सजाने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए भी बहुत प्यारा प्यारा सामान है। लेकिन मैं आज कुछ भी खरीद नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं आई थी इसे घूमने के लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दो, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका दोस्त फैमिली लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और सामने जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अभी देखिए आप लोग।
अपोजिट साइड में पूरा क्लोथ्स है, जहाँ पे लेडीज और जेंट्स किड्स सबका कपड़ा मिलेगा और ब्लैंकेट, फिर उसके बाद पर्दा वगैरह सब कुछ है अवेलेबल। तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो देखिए आप लोग। और इस सेक्शन में बच्चा का टॉय वगैरह खिलौना है, और साथ ही में लेडीज़ और जेंट्स का शोज है, कपड़ा कुछ कुछ है। गाना बज रहा था इसीलिए मैंने उनका जो वॉइस था उसको बंद कर दिया, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। और ये रहा लेडीज़ लोगों का सबसे शायद फेवरेट जो है, जिसमें आपका नेक पीस, इयर रिंग्स, फिर बहुत कुछ है जो आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ जितना, तो आप लोग देखिए। और ऑलमोस्ट मुझसे जितना हो पाया मैंने आप लोगों को दिखाया, और अभी मैं निकल रही हूँ तो एक बार इसे घुमा दे रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। और अभी मैं दुकान को नौ से करती हूँ बाय बाय, क्योंकि अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। और इसी के सामने कैंटीन है, जो कि उसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते, उसके अंदर जाने के लिए कार्ड चाहिए। और सेकंड फॉल जिसमें शायद मुझे नहीं लगता कि वीडियो करने देगा, तो अभी निकल रही हूँ मैं घर की तरफ, तो चलिए। और मैं जा रही हूँ अभी हौले हौले धीरे धीरे मेरा घर की तरफ, और मुझे बहुत कुछ आप लोगों को दिखाना था, लेकिन थोड़ा रात हो चुका है और ठंडा ज़्यादा हो गया है, तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ फटाफट से घर। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगी, जो कि मैं दिन में शूट करूंगी, और उसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी, ऑफिसर मैस से लेके आर्मी, स्कूल, सिनेमा हॉल, सब कुछ दिखाऊंगी जितना मुझसे बन पाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा। और वो रहा एक छोटा सा पार्क जिसमें बच्चा लोग खेलने आते हैं, हम लोग आते हैं फ़ोटो उठने, तो बहुत अच्छे से लाइटिंग से सब कुछ सजा के रखा है, दीपावली का 2-3 दिन के बाद भी, लेकिन ऐसा नहीं है, कैंटोनमेंट के अंदर हमेशा ही ऐसे सजावट रहता है। तो आप लोग वीडियो देखिए पूरा और एंजॉय कीजिए, और बताइएगा कैसा लगा। और क्वार्टर सबको इतना अच्छे से डेकोरेट किया है पूरा लाइटिंग से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो मैं इसी को देखने के लिए निकली थी, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही बना लो। तो प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग देख के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट लाइक करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, वापस आऊँगी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड हंसते रहिए, खुश रहिए, टाटा।